हेलो मालती भाभी। हाँ जमुना भाभी। जी भाभी मैं रघुवीर भाई जी से बात करना चाहूँ। की बात होगी भाभी? क्या बात करनी थी? आपको ठीक लगे तो हमारे को बता दो। भाभी ऐसी कोई बात ना से बस यो बताना चाहूँ कि मैं रघुवीर भाई जी से खुद बात करने आऊंगी। ठीक से भाभी मैं बता दूंगी इनको, आप आ जाओ। जी भाभी रखती हूँ। मालती जी क्या बात हो गई? कुछ ना, वो जमुना भाभी का फोन आया था, कह रही थी आपसे कोई जरूरी बात करनी है तो घर आ रही है आपसे बात करने। मारे से बात करनी? कोई चिंता की तो बात ना है ना? मैंने तो पूछा था पर मारे को ना बताया उन्होंने। चलो ठीक है आएंगी तो बात कर लेंगे, पर मैं यहाँ आया हूँ क्योंकि मारे को थारे से जरूरी बात करनी। क्या बात करनी है? बताता हूँ। बैठ। बात कैसे? अरे बैठ तो सही। मालती मैं सुबह से सोच रहा हूँ कि भगवान का दिया सब कुछ है, और तो और आज स्वयं भोले शंकर जी हमारे घर पधारे। अब इससे ज्यादा और भगवान क्या कर सकते? बात तो सही कह रहे हो आप, पर मारे को यो समझ ना आ रहा कि आप कहना क्या चाहते हो। रह गए ना भोले की बोली। चल मैं तुझे समझाता हूं। देख मालती, आज तक जिंदगी में मैंने जो भी फैसला लिया या जो कुछ किया तूने हमेशा हमारा साथ दिया। हाँ ये बात भी है कि कई बार तू हमारे फैसले से नाराज भी हो गई, पर फिर भी तूने मेरा साथ दिया। कई बार तो तू मुझसे लड़ी भी है, मेरे कई फैसलों से विरोध भी किया है, पर हमेशा एक चट्टान की तरह हमारे साथ खड़ी रही। देख मालती पति पत्नी के होते हैं एक ही सिक्के के दो पहलू, कभी जुदा ना हो सके। इसलिए मैं चाहता हूं मालती तू ये बात अपने मन में बांध ले कि मैं जब भी कोई फैसला लूं या कुछ भी करूं ना वो सबकी भलाई के लिए होता है, और सब तो छोड़ थारी भलाई के लिए होता है। मालती भाभी है तो वो छोरी से ना, और लाखा को भी यो पसंद ना आ रहा होगा कि उसकी पत्नी बाहर जाके कुश्ती करे। पहले पहले मेरे को भी लगा था कि हमारे घर की बहू पूरे गांव के सामने भागेगी घूंघट हटा के, तो थोड़ी मैं भी नाराज हो गई थी। फिर मैंने देखा कि जब वो करना चाहती है ना तो उसे कोई ना रोक सकता है, तो मैं आपसे भी यही कहूंगी कि आपके दिल में जो भी गिले शिकवे हैं ना सारे हटा दो, बस भगवान पे भरोसा रखो और मारे पति पे भी। यो गुरु और शिष्य के बीच में ना पड़ो तो ये अच्छा है। मारे को अपने पति पे पूरा भरोसा है कि वो जो कुछ भी करेंगे ना सबकी भलाई के लिए करेंगे, तो इसमें भी उन्होंने बड़ों की भलाई देखी है। और सच्ची कह रही हूँ, मैंने देखा है आपके छोरे में बहुत लगन से वो जिस काम के बारे में सोच लेती है ना उसके पीछे खूब मेहनत करती है। भगवान ऐसे लोगों की पूरी मदद करता है, देख लेना वो बहुत आगे जाएगी। विश्वास रखो मारे पे, जो होगा अच्छा होगा। ना
माँ जी, पहले तो आप एक काम करो, सारी दुनिया की ना चिंता करनी बंद कर दो और मन्ने ये बताओ कि आपको दिक्कत क्या है। बेटा, मैं जानू कि कोमल के कुश्ती लड़ने से थारे को कितनी दिक्कत का सामना करना पड़े। माँ जी, अभी किसने कह दिया आपको कि कोमल की कुश्ती करने से मन्ने तकलीफ से? अरे वो कोई चोरी या डकैती थोड़ी कर रही है, अरे कुश्ती कर रही है ना, और वो भी अपनी मेहनत से। तो माँ जी, मन्ने कोई तकलीफ ना है, और जिसने कहा है ना उसको मेरे सामने लेकर आओ, मैं उससे पूछूंगा कि उसको क्या तकलीफ है। पर बेटा, लो तो माँ जी, लोगों का काम ना कहना है तो उनको कहने दो। हम ना हर किसी के मुंह तो रोक ना सकते, पर कुश्ती करने से उसको मैं ना रोकूंगा। अरे यो सब मैंने मारने का इंतजाम किया है के? ना दिमाग खराब ना हुआ मारा जो आपको मारने चलूं। और वैसे भी आप तो मरने के बाद भी अपनी कब्र से निकल के पड़ो की अच्छी खासी जिंदगी में टांग उतरने जरूर जाओगी। गलत कह रही हूँ के? दिमाग तो नहीं खराब हो गया थारा? ये कौन सी नई नाटक नौटंकी शुरू कर दी तने? दिमाग मारा ना आपका खराब हो रहा है। आपकी इन रोज रोज की हरकतों से ना वैसे भी मारे पान पखेरो धीरे धीरे निकल ही जाएंगे। तो अभी काम क्यों ना करती, मारे को एक झटके में खत्म करो, रोज रोज का ड्रामा खत्म करो और मारे को भी मुक्ति दे दो। क्या पसंद है तने? ये डाल के मारे को आग लगा दो। लो छुरी, काटो काटो काटो, कटा कटा लोगे, ले लो कटा। जहर जहर पिला दो ना, पिला दो ना मारे को। ना पसंद है तने? लो मैं फांसी चढ़ जाती हूँ। ये तो पसंद है तने? निकाल इसे, नहीं छोड़, निकाल निकाल निकाल, इधर आ इधर, छोड़ यो पागलपन और जो सारा सामान है ना अंदर रख। मैं तब तक यो सब अंदर ना रखूंगी जब तक आप हमारे को यो ना बता दो कि आपकी वहां क्या बातचीत हुई। अरे होना क्या था, मामला अच्छे से निपट गया। कोमल कुश्ती कर रही थी, आपने हमारे को यो सब पहले क्यों ना बताया? हाय, क्या बताऊं, कैसे बताऊं? तू किसी को बोलने दे तब ना। हाँ, यो सब आंगन में टाम झाम बिछाकर बैठी से कोई भी आदमी देखे डर जाए तो मैं कित की मूली सू। मैं भी यो ना चाहती कि आपके हाथ से कोई पाप हो, और वैसे भी मैंने रखा ही था, इस्तेमाल तो ना किया ना। आप हमारे को यो बताओ कि आपको वहाँ किसने बताया कि बड़ो कुश्ती जारी रखेगी? कहना किसने? लाखा जी ने खुद सबके सामने कहा कि कोमल कुश्ती जारी रख सके से। माँ जी, ये तो बहुत बढ़िया बात हो गई। अरे छोड़ मन्ने, अभी फिर सदैन हो गई तू। लो माँ जी, मैं पलक झपकते यो सब हटा देती हूँ, ठीक से लगते हाथ ना खाना भी लगा दे। वो तो ना बनाया मैंने। आप एक काम करो ना, मन्ने कुछ सलाह दे दो, कुछ विशेष टिप्पणियां दे दो। कल तू जैसे खेलेगी ना, तेरी जीत उस पर निर्भर करती। अखाड़े में जाते ही ना जो भी तेरे सामने हो उसकी आंखों में आंखें डाल के उसको ऐसे देखना कि जैसे ना तू उसे कच्चा चबाना चाहती है। उसको देखते हुए ऐसे करना कि जैसे तू उसको मार डालेगी, फिर उसकी तरफ अपना हाथ, और ना जब तू उसको ऐसे घूरती रहेगी ना तो वह पहले से ज्यादा